सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर कमलेश कुमार का फिर से स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन प्रेजेंटेशन, तो 15 दिन की क्लासेस जो होती है हमारे इंजीनियर्स की स्टार्टिंग की वो पूरी हो चुकी है। तो आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे, तो शुरुआत करवाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। संजय भारती आपको बुलाना चाहेंगे, वो प्रेजेंटेशन देंगे एस्टिमेशन का और क्या टॉपिक है इनका, चलिए हम इनसे जानते हैं। तो हाँ संजय जी आइए। हाँ तो क्या कौन से टॉपिक का प्रेजेंटेशन देने वाले हो? सर जैसे कि आज हमारा एस्टिमेशन का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है, उसमें मैं प्लंबिंग जो पाइप्स है उस टॉपिक के अंदर आज प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। अच्छा तो चलिए आप अपना प्रेजेंटेशन को जारी रखें। हाँ जी सर ठीक, चलिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो। और आप भी अगर इस तरह के ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो 9111001234 पर कॉल करें और ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। जैसे कि इंजीनियर्स आज हम हमारा जो एस्टिमेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, आज हम उसी का एक पार्ट है प्लंबिंग पाइप्स, वो हम आज उसका प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें जो हमारे जो एक्चुअली जो हमारे जो पाइप्स हैं ये बहुत पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो स्टील के पाइप्स हैं वो यूज हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे जो हमारी जनरेशन है वो बढ़ते गई वैसे वैसे हमारे जो पाइप्स हैं उनमें भी हमारा जो चेंजेस आते थे। जैसे हमारे पाइप्स हैं उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैं, जैसे पीवीसी पाइप्स हैं, सीपीवीसी पाइप्स हैं और यूपीवीसी पाइप है। तो इन पाइप्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम आपको बताना चाहेंगे आज। तो जो हमारे जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 1 से 12 फीट के बीच में वेरी करती है, और जो ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होते हैं उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसमें पोजीशन बहुत जल्दी लग जाता है वाटर के कनेक्शन में जब आता है, और जो ये पाइप्स होते हैं इनको हम रीयूज रिसाइकेबल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है उनका ये पाइप्स है। और जो हम जब हम पहले जमाने में बिल्डिंग्स में जब हम उनको यूज करते थे तो एक तो इनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हैवी होता है और पोल्यूशन लग जाता है, और ये जो कॉस्टली भी होते हैं। तो हम इसको फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई हम उसके बाद हमने पीवीसी पाइप्स आने लगे मार्केट में। जैसा कि हमारा दूसरा पाइप है वो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप है। तो जो ये पीवीसी पाइप्स हैं इनको जब हम घर में जो इसका सबसे डिसएडवांटेज ये है कि जब इसमें जो पानी फ्लो होगा उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जो इसमें जो पीवीसी में पाइप्स होते हैं उसमें जो केमिकल प्रेजेंट रहता है तो पानी के बीच में रिएक्शन होती है, तो हम उसको जो उस पानी को हम पीने के योग्य नहीं होता वो पानी। तो और जो इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब इसमें अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो ये गर्म पानी के उसके कारण जो है ये एक्सपेंसन होने लगेगा, इसका जो डायर है वो बढ़ जाएगा, और अगर ये ठंडे पानी ज़्यादा ही ठंडे पानी के कॉन्टैक्ट में आया है तो ये श्रिंकेज हो जाएगा, इसका मतलब सिकुड़ने लग जाएगा। तो और जो हमारा तीसरा पाइप है सीपीवीसी पाइप, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। उस पर जो हमारा जो एक डिसएडवांटेज ये था कि हम केमिकल रिएक्शन के बीच में ये जो पाइप यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारी इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्व तो हो गई, जैसे कि इसमें लिखा है डज नॉट टेक्स एनी केमिकल रिएक्शन ऑन फ्लोइंग वाटर, इसको पानी तो पी सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसमें गर्म पानी हमारा डालेंगे तो इसमें क्या होगा एक्सपेंसन होने लगेगा, इसका जो डायर है वो बढ़ने लगेगा फैलने लगेगा, और अगर हम ज्यादा ठंडा पानी डालेंगे तो ये सिकुड़ने लगेगा, तो जिसके कारण हम इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज घर के पर्पज में तो हम यूज कर सकते हैं, बट ये है कि हम इंडस्ट्री के उसमें हम पर्पज में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर उसी का एक एडवांस पाइप आया जिसका नाम हमारा यूपीवीसी यूनिप्लास्टेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। तो इसमें हमारा ये है कि इसमें जो हमारे सारे जो ऊपर जो हमने पाइप्स पड़े उनके जो डिसएडवांटेज थे उसमें ये सारे सॉल्व होके आए हैं। जो नया पाइप है हमारे यूपीवीसी, तो इसमें क्या है, इसमें एक तो ये है कि केमिकल रिएक्शन जो होती थी हमारे वाटर और पाइप के बीच में वो सॉल्व हो जाती है, और जो इसमें हमारा हाई प्रेशर के कारण जो हमारे पाइप से फटते थे वाली प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो गई है, और जो हमारा हॉट और कोल्ड वाटर जो हमारा फ्लो होता था वो एक्सपेंशन और लीकेज होता था वो भी इस प्रॉब्लम में हमारी सॉल्व हो गई है। और जो ये पाइप्स हैं हम इनको इंडस्ट्री पर्पज में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें जो यानी पाइप्स हैं यूपीवीसी जो हमारे पाइप्स हैं ये बहुत कॉस्टली होता है, तो उसको हम बिल्डिंग पर्पज में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग पर्पज ये है कि ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे आप उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा फिटिंग आइटम्स है। जो हमारे हम पाइप को फिट करते हैं उसमें जो हमारे छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला ये दिखाया गया है एल्बो,
और दूसरा एल्बो, एक दो हमारे पास एक्चुअली दो प्रकार के एल्बो होते हैं, 90 डिग्री का एल्बो और 45 डिग्री का एल्बो। जो एल्बो का शेप होता है वो एक्चुअली हमारे ह्यूमन बॉडी का जो एल्बो होता है उसी के शेप में दिया गया है। वो जो जो एल्बो जिसमें प्रोवाइड करते हैं, जो पाइप का डायरेक्शन है वो चेंज करना है। जैसे हमारा मान लिया जाए हमारे ये पाइप है, अगर यहाँ से हमने इसको इसको राइट डायरेक्शन में पानी देना है तो हम वहाँ पे एल्बो का यूज करेंगे। तो वहाँ पे हम अगर हमने कम डायरेक्शन में देना है तो हम 45 डिग्री करेंगे, अगर ज्यादा का देना है तो 90 डिग्री का यूज कर लेंगे। तो हमारे इसके बाद जो दूसरा आइटम आता है वो है हमारे कपलर और पी। एक्चुअली हमारा जो कपलर है, कपलर का काम ये रहता है कि जैसे हमारे जो मान लिया जाए एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, हमारे दो पाइप है, इन दो पाइप को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम इसके बीच में कपलर लगाएंगे, तब जाके वो पाइप कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारा वो है टी। टी का काम ये रहता है कि हमारा अगर जैसे कि हमें एक पाइप ये है और एक पाइप ये, इन दो से अगर हमें एक तीसरी लाइन में अगर डाल दिए तो हम वहाँ पे टी का प्रयोग करके हम तीसरे जगह को भी पानी भेज सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो आइटम है हमारा क्रॉस। क्रॉस जिसका है, जैसा कि आप इसको इसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा यहाँ से और चारों तरफ से हमारा पाइप फिट करने का हमारा जो होल है वो दिए गए हैं इसका। और जो अगला जो पाइप फिटिंग आइटम वो है हमारे रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम मेनली ये रहता है कि अगर कहीं पे हमें जैसे प्रेशर इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वहाँ पे हम ये जो पाइप यूज कर ले हैं। मेनली जैसे अगर हमने आपने देखा होगा जैसे खेतों में आप जो सिंचाई कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे कम प्रेशर है, पानी का जो प्रेशर है वो पाइप में कम है, अगर उस प्रेशर को बढ़ाना है तो हम वहाँ पर रिड्यूसर का यूज करके उस पाइप का जो प्रेशर है बढ़ा सकते हैं और आसानी से हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फिटिंग आइटम है वो आप देख सकते हैं निप्पल और एंड कैप। और जो निप्पल का जो काम ये रहता है कि जो हमारा पाइप है, अगर पाइप की जो लेंथ है इंक्रीज करनी है तो हम वहाँ पर निप्पल का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अपने घरों के जो सिंटेक्स होते हैं, जो टैंक होते हैं उनमें देखा होगा आपने, जो जब सिंटेक्स का जो जो टैंक होता है वहाँ से जब पानी नीचे को आ रहा होता है फर्स्ट में उसमें निप्पल ही लगा रहता है, उसके बाद जो हमारा उसमें पाइप दिए रहते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो एंड कैप। एंड कैप का काम ये रहता है कि जैसे आपको मान लिया जाए ये ऊपर से पानी आ रहा है और पानी आपको इसी डायरेक्शन तक का मतलब यहीं पे तक का पानी देना है, इस पानी को अगर रोकना है तो आपको वहाँ पे एंड कैप लगा दोगे तो आपको पानी जो है वहाँ पे रुक जाएगा। अब जो नेक्स्ट आइटम है हमारा वो है यूनियन और वॉल्व। यूनियन का जो हमारा काम रहता है वो एक्चुअली ये रहता है कि दो पाइप को आपस में जोड़ के रखना। और यूनियन हम यहाँ पे भी देते हैं कि जैसे हमारा कहीं पे बेंड होता है तो वहाँ पे कूड़ा कचरा फंस जाता है, तो हमारा उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि पूरे पाइप को जो है हमें निकालना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे अगर उस पाइप का यूनियन दिया गया है तो हम यूनियन को खोल के उस पाइप को निकाल के हम उसमें से आसानी से कचरा निकाल भी सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारा फिटिंग आइटम है वो हमारा वॉल्व है। वॉल्व का काम ये रहता है कि पानी का गड्ढा होना वो ऑन या ऑफ करना। जैसे मान लो हमारी छत की टैंकी है, अगर वो भर गई तो पानी गिर रहा है तो हम वॉल्व बंद कर देंगे, पानी रुक जाएगा वहाँ पे। जैसा कि हमारे जो पाइप और पाइप के जो फिटिंग आइटम्स हैं वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। और अब जो उनका मोड ऑफ मेजरमेंट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो पाइप का हमारा जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है उसको हम रनिंग मीटर में लेते हैं। और जो उसके जो पाइप के जो फिटिंग आइटम्स हमने आपको बताया उनका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, अगर जो जो पाइप ग्रेटर होगा तब तो हम इसका नंबर ऑफ पीस में कैलकुलेट करेंगे। अगर जो डाया इसका नंबर 75 mm से लेस होगा तब हम इसको पाइप के साथ ही जो इसकी कॉस्ट होती है उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये रही पाइप और पाइप की फिटिंग के आइटम्स के बारे में जो मोड ऑफ मेजरमेंट है। अब जो दूसरा टॉपिक जो है हमारा, नीचे सरफेस से ऊपर छत के टैंक में पानी चढ़ा रहे हैं तो हम इसका एक सैंपल बना रखा हमने और हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक बोरवेल है, बोरवेल से हम पानी टैंक में चढ़ा रहे हैं। तो ये बोरवेल पे हमने सबसे पहले एक पाइप लगा रखा है, उसके बाद हमने यहाँ पे एल्बो लगा रखा है। एल्बो इसलिए लगा रखा है कि हम आपको हमको यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। वैसे हम इसको जो ये बोरवेल से हम ले जाने को हम पाइप वैसे डायरेक्ट सीधे भी जा सकते थे, लेकिन हम इसको यहाँ पे ये है कि ताकि एक तो ये अच्छा नहीं दिखेगा और ये हमारे प्रॉपर्टी से बाहर भी चला जाएगा और ये टूटने का डर भी रहता है, तो हम इसको एक सेफ को प्रोवाइड करने के लिए हम इसको अपनी बिल्डिंग से होते हुए लेंगे जो अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे।
और इसके जो डाया है वो हमारा यहाँ पे 50 mm है। जरूरी नहीं है कि आप 50 mm ही लें, हम कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे बोरवेल के हॉर्स पावर पे। और जो ये हमारे आए थे उसके बाद हमने यहाँ पे टैंक है यहाँ पे, तो हमने टैंक और पाइप के फिर से एल्बो प्रोवाइड करा, उसके बाद हमारा जो पानी है यहाँ पे हमारा टैंक में चढ़ गया। देखते होंगे यहाँ पे ये जो हमारी डिस्टेंस दी गई है वो हमारी ये दी गई है, जो हमारा जो पाइप की जो लेंथ है जो हमारा बोरवेल से ऊपर वाटर टैंक में चढ़ाने तक का जो पानी में जो पाइप यूज हुआ उसकी जो लेंथ है टोटल दी गई है हमारी। तो हम इसका हम आपको कैलकुलेशन दिखाना चाहेंगे कि कितना पाइप लगा और कितना फिटिंग आइटम्स लगा, उसका हम कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये है हमारा टोटल लेंथ ऑफ जो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप को हम ये कहते हैं कि जो हमारा बोरवेल से जो ऊपर वाटर टैंक है उसको जो पानी चढ़ाने में जो पाइप है उसको हम इनलेट पाइप कहते हैं। और जो 50 mm का डाया हमने उसका जो पाइप का है वो लिया है, टोटल हाइट हमारी ये दे दी है। इसके बाद जो हमारा टोटल निकालेंगे जो हमारा 9 मीटर का पाइप जो हमारा एल्बो है वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पर पीसेस में, तब करेंगे नंबर ऑफ पर पीसेस में। अगर जो पाइप का जो जो डाया होगा जो एल्बो का सॉरी जो एल्बो का जो डाया होगा वो हमारा जैसे ये हमारा कपड़ा है सॉरी तो कपड़ा हमारा जैसे आपको एल्बो बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, ये जो हमारा एल्बो है इस एल्बो का अगर डाया जो है 75 mm से ग्रेटर होगा तब हम इसको नंबर ऑफ पर पीसेस में कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका जो डाया जो होगा 75 mm से लेस होगा तब हम इस तब जो हमारा जो इसका कॉस्ट है वो हमारा पाइप के साथ ही मेंशन रहता है एस्टीमेट में। तो आप जो नेक्स्ट आप जो बीबीटी है वो देख रहे हैं आउटर पाइप का देख रहे हैं, आउटर पाइप ये होता है कि जो हमारा स्टोरेज टैंक से नीचे जो हमारा किचन में हो गया बाथरूम में हो गया ये यहाँ पे पानी पहुँचाने तक को हम उसको कहते हैं आउटलेट पाइप का यूज करते हैं। और जैसे उसका हमने 40 mm का डाया यहाँ पे पाइप का जो है वो यूज कर रहा है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे इस टैंक से ये नीचे हमने यहाँ पे किचन और टॉयलेट में यहाँ पे पानी प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया पाइप का जिसमें हमारा यूनियन और वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व और यूनियन का यूज जैसे मैंने आपको पहले बताया था वॉल्व का यूज इसलिए करते हैं कि उसका जो पाथ ऑफ गैस को ऑन या ऑफ करने के लिए, और जो इसका यूनियन का यूज हम इसलिए करते हैं दो पाइप को जोड़ने के लिए भी, और अगर हमारा जो पूरा कचरा अगर फंस गया तो यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर उसका उसके बाद हमने यहाँ पे टी इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे पानी की डायरेक्शन चेंज करनी है। जो हमने यहाँ पे जो टी जो प्रोवाइड कर रखा है वो हमने एक्चुअली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए लगा रखा है ताकि जो पानी का फ्लो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे टी अगर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता पाइप में जो पानी है वो फ्लो नहीं हो पाता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही पानी फ्लो करता है। फिर उसके बाद हम नीचे सीधे डायरेक्ट पाइप दिया है यहाँ पे, और इसके बाद हम अंदर आए यहाँ पे ये वॉल से यहाँ से अंदर आए, फिर हमने दोबारा यहाँ पे एक टी का यूज किया है जो कि हमारे टॉयलेट में दिया है, और जो नेक्स्ट टी हमने यूज किया वो हमारे किचन में दिया है। पानी है वो आगे को नहीं देना है तो हमने यहाँ पे एंड कैप का यूज करके यहाँ पे पूरे पाइप को वहाँ पे रोक दिया। फिर उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आउटलेट पाइप है उसका हमने कितना जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप कितना यूज किया, उसमें कितना कपलर यूज किया और कितने यूनियन वगैरह यूज किए, प्रोड्यूसर टी यूज किया, टोटल हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जो हमने जो इसका टोटल लेंथ ऑफ पाइप है ये ऊपर से नीचे हमने किचन में बाथरूम में जहां तक का पानी पहुंचाया टोटल लेंथ उसकी जो पाइप है वो है ये 9.5 मीटर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है उसका जो लेंथ है हमारा 5 मीटर। फिर उसके बाद हमने जो इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे प्लम्बिंग सैनिटरी आइटम्स, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे जैसे फर्स्ट में है आपका हॉट बॉडी बिपकॉक और लॉन्ग बॉडी बिपकॉक। एक्चुअली जो हमारा है ये जो हिंदी में हम इसका नल कहते हैं और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा बिपकॉक और बिपकॉक ही रहता है, लेकिन इसके लेंथ में चेंजेस के कारण जो है हमारा वो शॉर्ट, जैसे आप देखेंगे इसमें शॉर्ट बॉडी का भी यहाँ पे इसकी लेंथ है यहाँ पे शॉर्ट है, और यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है यहाँ पे थोड़ा इसके कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा है, तभी हमने इसका नाम शॉर्ट बॉडी और लॉन्ग बॉडी दे दिया है। और जो हम आपको नेक्स्ट आइटम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे सैनिटरी फिटिंग आइटम वो है यहाँ पे हमारा टू वे बॉडी बिपकॉक और पिलर कॉक। या एक्चुअली आपने देखा होगा बाथरूम्स में कमोड लगा होता है वहाँ पे जो हमारा जेट स्प्रे होता है जो कनेक्शन पाइप होता है वो इसी जो बॉडी टू वे बॉडी बिपकॉक है यहीं से कनेक्ट हुए रहता है, यहाँ से इसमें जो टू वे बॉडी बिपकॉक है उसमें यहाँ से भी पानी आता है और यहाँ से भी पानी आता है। और जो नेक्स्ट जो हमारा ये पिलर कॉक है इसका हम वॉश बेसिन होता है उसमें भी उसमें यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट सैनिटरी आइटम्स हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे है हमारा सॉन बॉडी बिपकॉक और एंगल कॉक। सॉन बॉडी बिपकॉक है जिसका जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा सॉन जिसका जो शेप है इसका
जो स्वान जो हमारे हंस जो हंस करके चिड़िया होती है उसी के जो बॉडी शेप होता है उसके अनुसार इसका नाम हमने स्वान रखा है। हमारा स्वान बॉडी हिप हॉप और जो दूसरा है हमारा एंकल पॉप, इसका यूज भी हमारा जो है बाथरूम में यूज करते हैं और इसका यूज हमारा सिंक में यूज करते हैं। नेक्स्ट सैनिटरी आइटम हम आपको दिखाएंगे बेसिन और सिंक। बेसिन जहाँ पे हैंड वॉश के लिए हम यूज करते हैं, सिंक हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं। आना चाहिए कमोड और सिस्टम। सिस्टम जो होता है एक्चुअली ये कमोड में जहाँ से कमोड में जो हम पानी डालते हैं वो हमारा सिस्टम से ही प्रोवाइड होता है। आइटम्स जो हम आपको दिखाना चाहेंगे वो है डिस्प्ले में हमारी कमोड और सिस्टम। कमोड आपको पता है जैसे कि हमारा टॉयलेट में यूज होता है और जो हमारा सिस्टम है वो हमारे जो कमोड में जो पानी डालने के लिए यूज होता है वो हमारे सिस्टम से ही पानी प्रोवाइड होता है उसमें। नेक्स्ट आपको सैनिटरी आइटम्स है वो आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे जैसे कि ये वेस्ट पाइप और सीपी मैस और सीपी होल मैस। जो वेस्ट पाइप होता है वो एक्चुअली आपने देखा होगा सिंक और जो बेसन होता है उसके नीचे लगे रहता है। जो हमारा सिंक और जो बेसन का जो वेस्टेज है वो इसी के थ्रू ही हमारा बाहर जाता है। और जो हमारा सीपी मैस और सीपी होल मैस इसको एक्चुअली हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ड्रेन जाली, इसको हम ड्रेन जाली कहते हैं। और जो हमारा इसमें आप देख रहे होंगे जो ये जो यहाँ पे छोटा सा जो डायर दिया गया है यहाँ पे हमारा जो वेस्टेज पाइप का जो ये है वो इसमें फिट रहता है, इसी के थ्रू पानी नीचे को जाता है। और जो जो दूसरा हमारा सीपी मैस है वो हमारा बाथरूम वगैरह में यूज होता है यहाँ से, और इसमें बोरिस भी प्रोवाइड किए रहते हैं ताकि जो है कि कम से कम जो वेस्टेज हमारा बाथरूम का ऐसे हेयर वगैरह जैसे कुछ कूड़ा कचरा होता है वो कम से कम जाए तभी हम इसलिए यहाँ पे इसका बोल प्रोवाइड किया है। हम आपको बताना चाहेंगे डबल वाई और सिंगल वाई के बारे में जो इसका जो यूज है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि जो डबल वाई और सिंगल वाई का एक्चुअली जो यूज होता है उसको हम अपने ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा पाइप के मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में, पाइप का जो फिटिंग आइटम्स है उनके बारे में, सैनिटरी आइटम्स होते हैं उनके बारे में आपने जाना होगा। तो हमारा यहाँ पे जो है समाप्त होता है हमारे बिजनेस में प्लम्बिंग का एक एक आइटम का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और आप भी इस तरह का ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करें 9201001234 पर, मैं आपको मिलूंगा आपके अपने सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर इंस्टीट्यूट देहरादून में।